सवाल की बादशाहत बरकरार है। 86% मार्केट शेयर के साथ नंबर वन चैनल बना जी राजस्थान। दर्शकों के आभार प्यार के लिए, उनके भरोसा जताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दादे के जी राजस्थान का सीधा सीधा मकसद, वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर आवाज उठाई जाती है, जिनका सीधा सीधा सरोकार आम लोगों के साथ होता है, उनकी समस्याओं के साथ होता है। जी राजस्थान सिर्फ खबर नशर ही नहीं करता बल्कि तह तक जाता है और जनता के भरोसे पर एक बार फिर से खड़ा उतरा जी राजस्थान। टीआरपी में जी राजस्थान ने एक बार फिर से बाजी मारी है। जी राजस्थान की बादशाहत बरकरार है। 86% मार्केट शेयर के साथ नंबर वन चैनल बना जी राजस्थान। एक बार फिर से दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अपार प्यार के लिए, आप भरोसा जताने के लिए। आपके भरोसे पर हम आपकी उम्मीदों पर ऐसे ही खरा उतरते रहे। आपका साथ, आपका सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। लाल तस्वीरों में देख सकते हैं जब पूरी टीम सेलिब्रेट करती हुई। टीआरपी में जी राजस्थान की बादशाहत एक बार फिर से बरकरार है। तो केक काटकर, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर हमारे सीनियर्स ने सबको बधाई दी है। उस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 86% मार्केट शेयर के साथ बादशाहत बरकरार है जी राजस्थान की। यानी के सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए, आपके आपके भरोसे पर लगातार खरा उतर रहा है जी राजस्थान। आपकी उम्मीदों पर लगातार खरा उतर रहा है जी राजस्थान। और जी राजस्थान की तरफ जो हाइपर लोकल होकर ना से गांव गांव की खबर, ढाणी ढाणी की खबर सबसे पहले पूरी अपडेट के साथ आप तक पहुंचाई जाती है। जी राजस्थान एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते तमाम खबरों पर पैनी नजर बनाए हुए सबसे पहले पूरी अपडेट के साथ आप तक खबर पहुंचाई जाती है। अब रुक करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट का। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा और कुआं में फर्जी चोरा छापनी हकीमों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इसी दौरान दवाखाने में भारी मात्रा में एलोपैथी दवाइयां भी बरामद हुई और कार्रवाई के दौरान फर्जी हकीम पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने बच्चों से जबरन बाल श्रम करवा कर चूड़ियां बनवाने वाले अभियुक्त भाइयों को 14 साल की सजा सुनाई। इसी के साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 2,82,000 रुपए का जुर्माना भी दिया। धौलपुर के बाढ़ से खबर, जहां पर क्षतिग्रस्त सड़क पर अनियंत्रित होकर एक पिकअप दुर्घटना का शिकार हुई। दुर्घटना में पिकअप सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके से खबर, जहां पर एक दलित महिला के साथ मारपीट एवं धक्का मुक्की करने के मामले में सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बारां जिले के बोरेन गाँव के पास अचानक भयंकर आग लगी। 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। ग्रामीणों ने ओरिएंटल ग्रीन पावर प्लांट की दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। बारां शहर के एक मैरिज गार्डन के पास बुधवार शाम को बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी एजेंट का किडनैप किया। सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, नाकेबंदी कराई गई। चुनावड़ में होली के दिन को नाबालिग से अश्लील हरकत करने का मामला जो सामने आया, उसके बाद ग्रामीण सीओ भंवरलाल ने घटनास्थल का जायजा लिया। नागौर जिले की कुचेरा पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी करके नकदी और गहने लेकर